आदाब बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक जो है हमारी हमारा जो आज टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सब टॉपिक जो है सेक्शन फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं उसका दूसरा टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला। पहले आपने सीखा डिस्टेंस फार्मूला, उसकी डेराइवेशन हमने की। उसके बाद एक्सरसाइज की 7.1। अब सेक्शन फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग द टू डेराइव द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला की कि अगर हमारे पास पॉइंट दो पॉइंट प्लॉट किए गए हैं प्लान में, कार्टिजन प्लान में, तब हम उनको डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। Now we have two points in a plane, and the line joining these two points, there are infinite number of points on that line segment. But if we take a particular point on that line, and we want to find the coordinates of that point, that we how by how we can find the coordinate if this A and B are two points in the plane, और इनको हमने join किया, कोई भी point हम लेंगे, कोई भी point, और ये हमें पता होगा कि ये किस ratio में इसको divide कर रहा है, दो हिस्से इधर, तीन हिस्से इधर, चार हिस्से इधर या कुछ, तो हम इसके इस point इसके coordinates निकाल सकते हैं by using section formula। तो यही हमारा मकसद है कि जो सेक्शन फार्मूला है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हेन इट डिवाइड्स इन सर्टेन रेशियो। सपोज वी कैन से m1:m2। इंटरनली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शन फार्मूला, एक है एक्सटर्नली, एक है इंटरनली। इंटरनली आज आपको 10th में पढ़ना, एंड इफ 11th में ये एक्सटर्नली, कि अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो वो 11th में। आज हमारे पास इंटरनली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी एक्स, इस जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं और हमने रखे हैं x, y, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1:m2। तो हम ये मान के चलें कि हमारे पास हमारे पास एक पॉइंट ए है x1, y1, ए पॉइंट नाम रखा है, दूसरा पॉइंट बी है इसके कॉर्डिनेट x2, y2, और एक पॉइंट लेंगे हम इस लाइन ज्वाइनिंग पर, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी इसका वैल्यू x निकालना, इसका y निकालना। हम मान के चलें ये जो है ये m और n रेशो में काट रहा है m1:m2। तो यहाँ यानी ए पी जो है m के बराबर है, पी बी जो है n के बराबर। हम ये बता सकते हैं ए पी बटा पी बी इज इक्वल टू m/n। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ m1:m2 इंटरनली। नाउ वी व्हाट वी राइट हियर, वी विल राइट हियर लेट ए शाबाश कॉर्डिनेट सेट x1, y1 एंड बी x2, y2 आर टू पॉइंट्स इन ए प्लेन। शाबाश पी जो पॉइंट है x, y, बी अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ऑन लाइन ज्वाइनिंग विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ m1:n इंटरनली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ड्रा ए एस परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, पी बी से डालेंगे, पी आर डालेंगे परपेंडिकुलर, और बी क्यू डालेंगे परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रा ए एस पी आर बी आर बी क्यू, ड्रा शाबाश ड्रा ए एस
comma BR and BQ perpendiculars on X axis. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से A से इस लाइन यानी PR पर PA मान के चले AC डालेंगे और यहाँ से ये डालेंगे P से PD परपेंडिकुलर. ड्रा AC परपेंडिकुलर ऑन PR एंड PD परपेंडिकुलर ऑन BQ. आपके पास ये शक्ल बन गई. आप ज़रा गौर फरमाएं, ये आपके पास शक्ल आई है जो आपके पास दो राइट ट्रायंगल बन गई है. एक राइट ट्रायंगल बन गई है PCD यहाँ पर, ठीक है, और ये BDP, ये दो राइट ट्रायंगल बन गई है. तो हम अभी देखेंगे अब क्या निकालेंगे हम. पहले आप देखिए ओ यहाँ से ओ एस जो है ये एक्स वन है, ओ आर जो है ये एक्स है, ओ क्यू है ये एक्स टू है. तो हम लिखेंगे ओ एस जो है एक्स वन है, ओ आर जो है ये एक्स है, ओ क्यू जो है वो है एक्स टू. ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये आप देखिए हमें हम ये एस आर निकालेंगे. एस आर देखिए एस आर जो है ये ए सी को बराबर है क्योंकि ए सी आर एस इज़ अ रेक्टेंगल. वो एस आर जो होगा उतना ही एस आर होगा, एस सी होगा. एस आर कितना होगा, एक्स माइनस एक्स वन. गो एस आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन. ये आया. अब देखिए यहाँ पर ये पी क्यू डी बी इज़ अ रेक्टेंगल. जितना आर क्यू होगा उतना ही होगा ये. आर क्यू कितना होगा, एक्स टू माइनस एक्स. आर क्यू होगा एक्स टू माइनस एक्स. गोस क्यू आर इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस शाबाश एक्स. ये आया इस तरह. ये हमने निकाल के रखिए. अब हम वर्टिकल देखिए, यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, R से लेकर P तक y है. बताइए PC कितना होगा, y माइनस y1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, ठीक है, ये AS जो होगा ये y1 होगा, PR जो होगा ये y होगा, और ये BQ जो होगा ये y2 होगा. आप देखिए आगे, ये देखिए अब हमारे पास ए एस जो है वाई वन है, ए एस लेंगथ वर्टिकल लेंगथ. अब देखो पी आर जो है वे वाई है, पी आर जो है वाई है. तो इस पी सी किस तरह निकलेगा, पी सी यानी ये वाई माइनस वाई वन. वो पी सी जो होगा ये आएगा वाई माइनस वाई वन. इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पी आर जो है पी आर यहाँ वाई है और बी क्यू है वाई टू है. तो बी डी किस तरह निकलेगा, बी डी निकलेगा वाई टू माइनस वाई. गो बी डी जो होगा वाई टू माइनस वाई. ठीक है, अब हम इन ट्रायंगलों की तरफ आएंगे. आपने भी सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ी, हम इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर करेंगे. सिमिलर रूल के सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया है, अगर दो ट्रायंगलों के दो एंगल बराबर हैं देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. हमारे पास ट्रायंगल है पी सी बी, पी सी ए एंड बी डी पी. ठीक है, इन ट्रायंगल पी सी ए एंड ट्रायंगल शाबाश बी डी पी, ये हमारे पास ट्रायंगल है. हम ये कहेंगे कि ये दे आर सिमिलर. किस तरह, देखो एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये एंगल और ये जो लाइन है ये पैरेलल है. तो ये ट्रांसवर्स से ये एंगल और ये एंगल बराबर है. ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 है. तो
these, therefore triangle PCA is similar है triangle BDP by AA similar criteria. ठीक है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी ए पी बाई पी बी, शाबाश, ए पी बटा पी बी, यानी ये हाइपोटेन्यूज बटा दिस हाइपोटेन्यूज, ए सी बटा पी डी इज इक्वल टू पी सी बटा बी डी, गोस ए पी बटा ए सी बटा पी डी इज इक्वल टू पी सी बटा बी डी. ठीक है, ये आपके पास आ गया. आप बता ए पी बटा ए पी हमारे पास रेशो दिया है क्योंकि वो एम बटा एन है. अब ए सी, ए सी हमने अभी निकाला किसके बराबर, एक्स एक्स माइनस एक्स वन है. पी डी अभी हमने निकाला, एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पी सी. पी सी अभी हमने निकाला वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, और बी डी वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई. ये मान के हम फर्स्ट मान के चलेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड. ठीक है, अब हम लेंगे फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, आप लिखो एम बटा एन इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स. ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हो गया एम एक्स टू माइनस एम एक्स, ये इसके साथ इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एम एक्स टू और एन एक्स, ये हम एक इधर लाएंगे, इसको एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ये हमने इधर, ये इधर लाएंगे एन एम एक्स, ये इधर आएगा प्लस एन एक्स. ठीक है, ये आएगा इस तरह एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल, यहाँ कॉमन निकलेगा एक्स, गो एम प्लस एन. ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, शाबाश, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम प्लस एन एम प्लस, ये आपके कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ऑफ द पॉइंट पी हम किस तरह निकालेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट और थर्ड, फ्रॉम, ये आया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, फ्रॉम, शाबाश, फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट क्या है, एम बाय एन इज इक्वल वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाय वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई, एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल एन वाई माइनस एन वाई वन. ठीक है, अब यहाँ भी इसी तरह हम करेंगे, एम वाई टू और एन वाई वन जो राइट में है इसको हम इस साइड लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो एम वाई टू माइनस एन प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई, ये इधर आएगा प्लस एन वाई. आप लिखेंगे वाई काटेंगे कॉमन, ये इसमें से हो गए एम प्लस एन इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन. ठीक है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, शाबाश, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन. ठीक है, ये आया वाई कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो होगा, जो हमने एक्स और वाई रखा, किस तरह हम निकाल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, किस तरह लिखेंगे, शाबाश, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस एन कॉमा, फिर वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाय एम प्लस एन,
these are the coordinates of a point P which divides the line joining AB in the ratio of m into n. ठीक है, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बाई यू. दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला. इसी को हम सेक्शन फार्मूला कहेंगे कि सेक्शन फार्मूला. इसको नव स्पेशल केस, स्पेशल केस आपको याद रखना है. स्पेशल केस, अगर ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट जो पी है, यहाँ हम लिखा एम वन इज टू एम, एम वन एम इज टू एन, अगर ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, यानी रेशो बराबर होगा 1:1, 2:2, 3:3, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस सेक्शन फार्मूला विल बी रिड्यूस्ड टू, इन स्पेशल केस इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन जॉइनिंग ए बी. ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे, गोस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू y1 वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू. तब आपको ये याद रखना है इफ दिस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ. ठीक है, आपको ये समझ आया? तो ये आपको समझ आने के लिए, ये समझ आने के लिए, ये जो आपने मैंने बताया कि अगर स्पेशल केस इसका ये है, अगर P जो होगा मिड पॉइंट होगा इसका, देन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला विल बी रिड्यूस्ड दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू. ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला है. तो हमारे पास एक, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? आप कहेंगे सर हम याद कैसे करेंगे, तो याद इस तरह करेंगे आप. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन डेराइवेशन सेक्शन फार्मूला था. तो आप इसको याद इस तरह करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को अगर याद रखना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इस तरह पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो भी पॉइंट होगा. तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, एम प्लस एन, नीचे लिखना है एम प्लस एन, कहाँ पर, यहाँ पर भी लिखना है एम प्लस एन बटा एम प्लस एन. अब कोई टीचर आपको बताएगा एम वन इज टू एम टू, ठीक है, वो भी ठीक है. तो यहाँ पर मैंने m रेशो और n रेशो लिखा, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं एक्स टू, यहाँ पर लिखूँगा एक्स वन, यहाँ पर वाई टू, यहाँ पर वाई वन. हो गया ये फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. ठीक है, यही आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी m वन एम प्लस एन, एम प्लस एन, ऊपर लिखना एक्स टू एक्स वन वाई टू, ये बन गई सेक्शन, यानी दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट डिवाइड द लाइन, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है, बाकी कुछ दिस इज सेक्शन फार्मूला. ठीक है.